रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में बाजार लगने के आखिरी दिन भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। यहां पर मौजूद लोग कोरोना वायरस को खुलेआम आमंत्रित कर रहे हैं। सब्जी मार्केट में मेले जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी भीड़ बढ़ गई है। इस दौरान यहां पर एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया और क्षेत्र की न ही ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो बनी हुई है। ये भीड़ सब्जी लेने के लिए बनी हुई है। आप देख सकते हैं किसी मेले की तरह ये जो भीड़ है वो नजर आ रही है, लेकिन इसे लेकर प्रशासन जो है वो सख्त नहीं हो पा रहा है। ये भीड़ जो है वो लगातार बनी हुई है, जिसे देखते हुए कल प्रशासन ने ये कहा था कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 48 घंटे के भीतर या 48 घंटे तक हम यहाँ पर लोगों के लिए एक सख्त कानून जो था वो बनाए जाएंगे। साथ ही सब्जी खरीदने वालों को भी हिदायत दी जानी थी, लेकिन आज भी अगर देखें कल की भीड़ की अपेक्षा आज जो भीड़ है वो थोड़ी कम है, लेकिन भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी में धारा 144 लगा हुआ है, यहाँ पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। उसके बावजूद भी ये आलम नजर आ रहा है, यहाँ पर एक जवान भी खड़ा नहीं हुआ है। यहाँ पे लोगों को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, उन्हें समझाइश तक नहीं दी जा रही है। हालांकि ये साइंस कॉलेज का जो बाजार है वो आखिरी दिन है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर जो है भीड़ जो है काफी ज्यादा नजर आ रही है। ये लोग खुलेआम कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं कि इन्हें कोई डर का माहौल ही नहीं है लोगों के मन में, ना ही सब्जी व्यापारियों के मन में है, ना ही यहाँ के लोगों के मन में है कि कोरोना के प्रति वो जागरूक हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस।